लिमरा न्यूज, हम दिखाते हैं सच, देश प्रदेश की सच्ची खबरों के लिए देखते रहिए लिमरा न्यूज। जैन की पार्टी संभाल रहे हैं, उम्मीद करती हूँ उनकी विरासत को आप संभालेंगे। चारू ने अपने भाषण में कहा, आपने भारी मत देकर पिछले चुनावों में बीजेपी को जितवाया, लेकिन क्या आपके दुख के वक्त इनमें से कोई आगे आया? सबने गंगा में तैरती लाशों को देखा। पिछले कुछ समय से हम सभी झेल रहे हैं ये कोविड महामारी में। आपने भी टीवी में सुना होगा, उत्तर प्रदेश की सरकार, सीएम साहब खुद ही अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। मैं जानती नहीं यहाँ आपका भोजपुर में क्या अनुभव रहा है, लेकिन हमने जो देखा है, पढ़ा है, समझा है, पूरे प्रदेश में लोग दवाइयों के लिए परेशान थे, लोग अस्पताल में भर्तियों के लिए परेशान थे, यहाँ तक कि अगर घर में किसी का निधन हो गया तो हम अंतिम संस्कार करने के लिए भी परेशान थे। सबने देखा था किस तरह गंगा में लाशें लापता तैर रही थी, देखा था ना, सुना था। मैं पूछना चाहती हूं सरकार से कि आपने इन लाशों को किस गिनती में डाला? सरकार बोल रही थी ना कि सारे देश के मुकाबले उत्तर प्रदेश में सबसे बढ़िया प्रबंध रहा, उत्तर प्रदेश में सबसे कम लाश जाने गई। जैन की पार्टी संभाल रहे हैं, उम्मीद करती हूं उनकी विरासत को आप संभालेंगे। चारू ने अपने भाषण में कहा, आपने भारी मत देकर पिछले चुनावों में बीजेपी को जितवाया, लेकिन क्या आपके दुख के वक्त इनमें से कोई आगे आया? सबने गंगा में तैरती लाशों को देखा। पिछले कुछ समय से हम सभी झेल रहे हैं ये कोविड महामारी में। आपने भी टीवी में सुना होगा, उत्तर प्रदेश की सरकार, सीएम साहब खुद ही अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। मैं जानती नहीं यहाँ आपका भोजपुर में क्या अनुभव रहा है, लेकिन हमने जो देखा है, पढ़ा है, समझा है, पूरे प्रदेश में लोग दवाइयों के लिए परेशान थे, लोग अस्पताल में भर्तियों के लिए परेशान थे, यहाँ तक कि अगर घर में किसी का निधन हो गया तो हम अंतिम संस्कार करने के लिए भी परेशान थे। सबने देखा था किस तरह गंगा में लाशें लापता तैर रही थी, देखा था ना, सुना था। मैं पूछना चाहती हूँ सरकार से कि आपने इन लाशों को किस गिनती में डाला? सरकार बोल रही थी ना कि सारे देश के मुकाबले उत्तर प्रदेश में सबसे बढ़िया प्रबंध रहा, उत्तर प्रदेश में सबसे कम लाश जाने गई।